जब रोहित वेमुला की हत्या पर संसद में बरसी थी मायावती। रोहित वाले मामले को सरकार दबाना चाहती है। रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या पर दिया था इस्तीफा। आज डॉक्टर रोहित वेमुला का शहादत दिवस है। आज से 5 साल पहले 17 जनवरी 2016 को हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला की मनुवादियों ने मिलकर सांस्थानिक हत्या कर दी थी। रोहित वेमुला का मसला बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने तब संसद में उठाया था। तब मायावती राज्यसभा की सांसद थी, लेकिन जब मनुवादियों ने संसद में उन्हें बोलने से रोका तो उन्होंने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया था कि जब मैं अपने लोगों की आवाज यहाँ नहीं उठा सकती तो फिर यहाँ रहने का क्या मतलब है। दोनों मुद्दों को एक साथ चर्चा के अंदर डाला है, इससे सरकार की नीयत नजर आती है कि रोहित वाले मामले को सरकार दबाना चाहती है। ये काम पहले हुआ था, जेएनयू का मामला बाद में आया। लेट अस हैव डिस्कशन। दोनों पेपर अलग अलग प्लीज कोऑपरेट चाहिए थी। लेट अस हैव डिस्कशन करके इस मामले को दबाना चाहते हैं, इसलिए हमें मजबूर होकर ये मामला उठाना पड़ा है। लेट अस डिस्कस। हम जवाब जानना चाहते हैं कि जो न्यायिक जांच कमेटी है। बहन जी, मेरा अनुरोध है और मान्य सर, ये आई अलाउड यू 3 मिनट थोड़ी और बात है। अभी तो 5 मिनट हो गया भाई, सारे बोला 3 मिनट। नहीं नहीं, 3 मिनट वो लोग उधर से सब बोलते हैं। अच्छा नहीं, मेरी बात पूरी रखने दो। अच्छा नहीं, माननीय उपसभापति जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी बात जरूरी बात है, इम्पोर्टेंट बात है, मेरी बात को रखने दो। यस, तो मैं कहना चाहती हूँ इन 267 अगले महीने यू कैन ओनली आस्क फॉर अ डिस्कशन, दैट इज ऑलरेडी आस्क्ड। So it is over. You cannot make a speech here. No. Gulam Nabi Azad. ये ऐसे कैसे हो जाएगा ये? हाँ? होगा नहीं अलाउ। मुझे बोलने नहीं दोगे? होगा नहीं अलाउ। आपके राज्यसभा से इस्तीफा देती हूँ। I have so many names. मुझे बोलने नहीं दोगे? तो मुझे इस कदम में रहने का कोई अधिकार नहीं है फिर? हाँ? Look here. यदि आप मुझे बोलने नहीं दोगे तो मैं आपके इस्तीफा देती हूँ। Yeah, okay.
बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने तब रोहित वेमुला की मां राधिका और भाई राजा वेमुला से भी मुलाकात की थी। बीएसपी नेताओं के मुताबिक मायावती ने उस समय रोहित के घर वालों को 10 लाख रुपए की मदद भी की थी। फेसबुक पर बिहार बीएसपी के प्रदेशाध्यक्ष कुणाल किशोर विवेक ने लिखा, बहन मायावती जी ने मुझे और मेरी मां को घर बुलाया। उन्होंने एक सूटकेस तैयार रखा था। हम जब वहां गए तो उन्होंने हमारी आर्थिक सहायता हेतु मेरी मां को वो सूटकेस दे दिया। इसमें 10 लाख रुपए थे। राजा वेमुला रोहित वेमुला के भाई। रोहित वेमुला के भाई के हवाले से कुणाल ने ये बयान फेसबुक पर साझा किया है। रोहित वेमुला के हत्यारे आज भी आजाद घूम रहे हैं और संस्थानों में जाने कितने ही रोहित वेमुला मनुवादियों की नफरत का शिकार हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।